नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में लोजपा दो गुटों में बढ़ चुकी है, एक पशुपति पारस का गुट और एक चिराग पासवान का गुट। पिछले दिनों आपने देखा कि पशुपति पारस ने अपने कार्यकारिणी की बैठक की और संगठन का विस्तार कर लिया, जिसमें उन लोगों को तोहफा मिला है जो लोग पशुपति पारस को गुट बनाने में, यानी पशुपति पारस को लोजपा से अलग, चिराग पासवान से अलग करवाने में उनकी मदद की थी। और उन सभी पांचों सांसदों को पद दिया गया है जिन्होंने पशुपति पारस का साथ दिया है। वही अगर हम बात करें सूरजभान सिंह को, तो उनको अभी कोई पद नहीं मिला है और बताया ये जा रहा है कि आने वाले दो से तीन दिनों में और भी सक्रिय रूप से और भी विस्तार रूप से संगठन का विस्तार किया जाएगा, जिसके बाद आज चिराग पासवान ने दिल्ली में बैठक करेंगे। और बताया जा रहा है कि ये बैठक सशरीर यानी उपस्थित होना पड़ेगा, वर्चुअल रूप से नहीं होगा। इसके पहले चिराग पासवान ने वर्चुअल बैठक की थी जिसमें उन्होंने अपने जो पांच सांसद थे जो बागी हो गए थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब आज जो मीटिंग होने वाली है उसमें पशुपति पारस द्वारा लिए गए फैसले पर एक्शन और रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसके पहले ये भी चर्चा थी कि चिराग पासवान आज की बैठक के बाद सड़क पर उतरने का प्लान बनाया। उन्होंने अपने चाचा के क्षेत्र हाजीपुर से जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे और बताया ये जा रहा है कि ये जन आंदोलन हर गांव और हर कस्बे तक जाएगा जहां रामविलास पासवान की मौजूदगी है, यानी जहां रामविलास पासवान के समर्थक हैं। और ये बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि आज के बैठक में कुछ बड़ा निर्णय लें। इसके पहले आपने देखा था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर उन्होंने अपने पार्टी के संविधान को ओम बिरला के समक्ष रखा और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पशुपति पारस ने संविधान का हनन किया है, यानी लोजपा पार्टी के संविधान का हनन किया है, ये गलत है और उन्होंने जो भी कार्य अभी तक किए हैं वो गैर संवैधानिक है। तो देखना ये होगा कि आज के बैठक के बाद क्या फैसला निकलता है। आप बने रहिए हमारे साथ और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।